अच्छा, आप कहाँ से हैं? मैं दुबई से। दुबई से, और आपको पता ही नहीं होगा कि ये शॉर्ट है? ऑब्वियसली, तो ड्राइवर गाड़ी चलाता है। अभी मुझे खड़े पैर रोक लिया है जी, अभी ट्रांसफर करें वरना जी आपको लॉक करने लगे गाड़ी को। ये तो देखा कि हाँ बताना चाहिए क्या तरीकेकार होना चाहिए दुबई में, क्या तरीकेकार है? ऑनलाइन सिस्टम होते हैं सर, मतलब कि आपको पता लग जाएगा रजिस्ट्रेशन वहाँ, तो गाड़ी आप इस तरह लेके जा ही नहीं सकते, मतलब पुलिस का वो लॉक अबाउट डर है। आप मतलब कि ओवरसीज हैं, आपको इस चीज़ का एहसास तो है कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है। अभी खड़े अभी इसलिए पे कर, लेकिन आप ये कह रही हैं कि तरीकेकार में बेहतर होना चाहिए। बताता हूँ, ये हमारी बहुत अच्छी एप्लीकेंट है, इनकी तमाम गाड़ियों के टैक्स वक्तन फोक्तन पे हो जाते हैं। इस दफ़ा ये आउट ऑफ कंट्री होने की वजह से टाइमली पे नहीं कर सकी, और ये भी हमारे ऊपर ये बड़ी शफकत कर रही है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का ये मुजाहरा करते हुए ऑन द स्पॉट ये हमें टैक्स पे। अभी मैम 2 ईयर का कितना है आपका शॉर्ट? 22,000। लेकिन मौके पे अचानक से 22,000 देना मुश्किल हो जाता है, पहुँचना तो मुझे रोक रहे हैं। सही, तो ये क्या तरीकेकार होना चाहिए, क्या आप इन्हें सजेस्ट करते हैं? आपके जो आईडी कार्ड्स होते हैं उसके ऊपर कोई मैसेज भेजें कि आपकी ड्यू है, आपकी गाड़ी इस पर रजिस्टर्ड है, तो वो तो आना चाहिए। ये पहले भी बंदा शिकायत कर रहा है, लेके कोई भी नहीं जी। इतने पैसे, ज्यादातर लोग कैश तो कार्ड्स होते हैं होते हैं, और ना हो फीमेल्स हैं, हस्बैंड्स की गाड़ी है, फिर क्या करें? क्या ड्राइवर चला रहा हो तो क्या करेंगे? और ये तो भी आपका 22,000 है, मैं देखा बहुत से लोगों का 2-2.5 लाख पेंडिंग, गाड़ी को शायद 2-3 साल हुए मुश्किल। सही, तो ये अभी तक इसका कोई टोकन पेड ही नहीं है? नहीं होगा, मुझे नहीं पता है। लेकिन अभी आप कहीं जरूरी काम में होंगी, लेट हो रही होंगी, इन्होंने अब अचानक रोक लिया, अब आप पे कर रही हैं? बहुत शुक्रिया। ये बता रही हैं कि मैं दुबई से हूँ, और ये कह रही हैं कि एक तरीका ज़रा बेहतर होना चाहिए। सर, ये पहले भी बंदा शिकायत कर रहा है कि आप लोग मैसेजेस क्यों नहीं भेजते? मैसेजेस के लिए हमने पी को अपनी रिक्वेस्ट सेंड कर दी है हमारे आला खामने चौधरी आसफ साहब ने, तो इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर वर्किंग हो रही है। और रिसेंटली मैसेजेस गए भी हैं अप्रैल में, गए भी हैं। सही, ठीक है, अप्रैल में गए भी हैं, इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर वर्किंग हो रही है, और बहुत जल्दी शिकायत हम आवाम की दूर कर। अच्छा मैम, ये बताइएगा, आप तो एक ओवरसीज पाकिस्तानी हैं और आप इस चीज़ की इंपॉर्टेंस को समझती भी हैं। बहुत से लोग जानबूझ के जमा नहीं करवाते और उनके साला साल के पेंडिंग होते हैं, उन लोगों के लिए अगर आप कोई पैगाम देना चाहें कि जो लोग, ये क्यों जरूरी है? अगर हम बाहर रह के गार्बेज भी बाहर फेंक सकते हैं, तो हमें ये चीज़ें फॉलो करनी चाहिए कि आपने टैक्स तो पे करना है ना, लेकिन एटलीस्ट जैसे मुझे अब रोक लिया है, अब किसी को इमरजेंसी की पहुँचना हो वो क्या करेगा? ये उस टाइम नहीं सुनते, क्योंकि ना गाड़ी को लॉक लगा रहे थे। मैं कह रही हूँ 2 मिनट सब्र तो करें, क्या मुझे घर जाने दे, मैं कैश तो ले आऊँ। नहीं अभी करें, नहीं तो गाड़ी। अब आप कैसे कर रही हैं? जैस कैश कर रही हैं। अच्छा मुझे बताएं कि ये जो व्हीकल टैक्स है, हम लोग किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं, हम वहाँ पे जाके सिग्नल पे रुकना भी हमें आ जाता है, हमें वहाँ के टैक्सेस पे करना भी आ जाता है, वहाँ पे हमें ये भी पता है कि हमने कूड़ा जो है वो कूड़ा दान में फेंकना है, इसलिए कि वो करवाते हैं आपसे। उन्होंने लॉ इतना सख्त है, उनको पता है कि यहाँ पे शुरते को हम कुछ भी नहीं कर सकते, शुरते ने पकड़े सीधा बंद करना है, वहाँ पे शुरते की गाड़ी देख के लोग डरते हैं। तो फिर ये ठीक कर रहे हैं कि लॉक कर देंगे, आपका डर तो होना चाहिए। डर होना चाहिए, लेकिन फ्रेंकली स्पीक अगर मैं, नो ऑफेंस, जब आपको साइड से कुछ दे के आप निकल जाओगे तो बस फिर लोग कहते हैं कि ये सहूलत है यहाँ पे। नहीं सहूलत, ये आपको पता ही, पाकिस्तान में बाहर ये सहूलत है। I'm not saying कि ये ओवरऑल बात कर, ये मैडम ने ओवरऑल बात की है, हमारा ठीक बात कर, अच्छी बात है। जो लॉ एंड ऑर्डर जो है वो करते हैं फॉलो, करना भी चाहिए, सबको करना चाहिए, मिनिस्टर्स को भी करना चाहिए, लेकिन खाली। सर आपने कोई मिनिस्टर की गाड़ी रोकी है? बिल्कुल, मिनिस्टर की गाड़ी रोकी, ये सुबह गए हैं ये मिनिस्टर स्पोर्ट्स के, वो मलक फैसल खोकर साहब की गाड़ी रोकी है हमने, तो उन्होंने टैक्स पेड किया हुआ था बकायदा, वो हमें अप्रिशिएट कर गए हैं कि आप हमारी गवर्नमेंट का हमारे साथ परफॉर्मेंस दिखाने के लिए तो नहीं खोकर साहब की गाड़ी रोकी। नहीं सर, वो इधर खोकर साहब का इधर कोई लिंक ही नहीं है, वो तो उधर रहते हैं जोहर टाउन वाली साइड पर रहते हैं, ये तो हम एक मशरिक मगरिब वाला साहब है। अच्छा आप ही मुझे ये बताएं कि इनके आपके रवैये ठीक लगे बतौर एक? वो ठीक है, ये भी ठीक है, जो लॉक ज्यादातर औरतें जो है वो हस्बैंड्स की गाड़ियाँ चला आ रही हैं, या भाइयों की या बाप की गाड़ी चला आ रही होती हैं, तो कहीं कांटेक्ट तो करने दे, गाड़ी लॉक करो, गाड़ी लॉक करो, दिस इज नॉट। और मेरा ख्याल है कि आप तो वैसे ही, मुझे लग रहा है कि शायद कोई वर्किंग लेडी है, आपको बातचीत करनी आती है, बहुत सी खवातीन तो पैनिक कर जाती है कि ये क्या हो गया भाई, पुलिस ने पकड़ लिया, अब किसी ने बच्चे पहुंचाने, कोई हॉस्पिटल जा रहा है, कुछ कर रहा है, गाड़ी लॉक कर दे आप। सर गाड़ी लॉक करा लेंगे? नहीं इनकी गाड़ी इतना अच्छा है, मैंने कांस्टेबल को रोक दिया है, वार्निंग इशू करते हैं कि अगर आप नेक्स्ट कहीं पकड़ लेंगे तो आपका या आपको फाइन डाल दे। क्या आप एक बार आपको पकड़ लिया तो फाइन डाल गया, अगर आपने इस ड्यूरेशन में पे नहीं किया फाइन डाल दे। सही है, उधर बाहर भी सर आपने वी लॉक करने लगे थे? फाइन नहीं, इनकी गाड़ी मैंने कांस्टेबल को रोका है, वी लॉक नहीं किया इनका, जो गाड़ी मैंने कहा है कि मैं पे करने लगी हूं।
जो गाड़ी मोर देन वन ईयर शॉर्ट होती है ठीक है उसको हम थोड़ा सा बंदे को जो कहते हैं रिलैक्सेशन है, लेकिन अगर टू ईयर हो तो फिर जरा सख्ती से यार वन ईयर के लिए रिलैक्सेशन है। उनको ट्रैफिक सिस्टम लॉ सिस्टम मैसेज भेजें याद कराएं। मैसेज सर्विस जो है वो ये मुझे बिल्कुल एक जायज मुतालबा लगा है कि बहन कह रही है कि हमें पता ही नहीं है कि हमारे इतने टोकन शॉर्ट है। जो है PITB के जरिए लोगों को मैसेज दे रही है, इनके नंबर मे बी उनके लिए प्रॉब्लम हो। वैसे मैसेज लंबी बहस हो जा रही है, मैं पे करूं रिमाइंडर दे, ऑल्टरनेटिव नंबर होते हैं, एक नंबर बंद है तो अपना दूसरा नंबर भी बताएं। लेकिन लोग इतने इग्नोरेंट नहीं है, लोगों को पता होता है कि हमारा टैक्स शॉर्ट है। ज्यादातर जो बेगमात है सोचा ने तो खामा की गाड़ियाँ चला रहे हैं, तो खामा साहब ने अगर वो ट्रैवलिंग पे मुल्क से बाहर गए उनके नहीं जेन में रहा तो क्या करेंगे, वो तीन चार गाड़ियाँ तो क्या करेंगे, नहीं जेन में रहता, ड्राइवर ने नहीं बताया, तो थोड़ा सा ये रिलैक्सेशन। और मेरे ख्याल खवातीन के लिए भी जरा एक जो है ना रवैया थोड़ा बेहतर होना चाहिए, क्योंकि खवातीन पैनिक भी कर जाती हैं। खवातीन के लिए जो रवैया है वो नरम ही होता है, ठीक है, उनको रिस्पेक्ट भी। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि शायद वो आपने वो जो पहिया जाम करने लगे थे उनको वो अच्छा नहीं लगा। नहीं किया इनका, ठीक है, आपने कहीं पहुँचना था। हाँ, तो मैं और कि मैं नेविगेशन लगाई हूँ, जा रही हूँ। जारी बात है, कोई इंतजार कर रहा होगा, वो काम होते हैं। बहुत शुक्रिया जी सर, आप क्या कहेंगे सर खवातीन के लिए कुछ थोड़ा सा कोई रवैया? हमने बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रखा हुआ है, कहती है मेरा पहिया जाम करने लगे। पहिया जाम तो एक साल से ज्यादा जिसका टैक्स ड्यू है उसके लिए करते हैं, अगर एक साल का है तो हम उसको बात करते हैं, सलाम करते हैं, पहले सलाम करने के बाद हम उनसे सारी डिटेल शेयर करते हैं कि ये प्लीज इसको। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर कोई खातून गाड़ी चला रही है और हमारी को बहन बेटी है कोई जॉब से आ रही है तो उसका क्या तरीकेकार है उसको, क्योंकि खवातीन जो होती हैं वो एकदम डर जाती हैं कि पता नहीं पुलिस ने रोक लिया क्या हो गया। नहीं नहीं नहीं, एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें हर इंसान छोटे बड़े को इक्वली ट्रीट किया जाता है, और हमारा डिपार्टमेंट की सबसे बड़ी और सबसे पहले कोशिश ही यही होती है कि ये हम इसको अच्छे तरीके से डील करें। सजाद भाई आप टैक्सेस में जाने हैं आपने, ये सजाद भाई पे कर रहे हैं, हालांकि बता रहे हैं कि अचानक से पे करना मुश्किल होता है। पंजाब में जाना है, गवर्नमेंट पंजाब में जाकर आपने ये सर्च बिल करना है, न्यू बिल, ये कंज्यूमर आईडी, इधर ये आपकी आईडी है, ये आईडी जो PS ID, ये इन्होंने अपनी कंज्यूमर आईडी डाली है तो इनका नाम आ गया जी, इसको नेक्स्ट, इनकी वो ड्यू अमाउंट आ गई है, ODP आ गया, और ये ऑनलाइन पेमेंट का सिस्टम है। ऑनलाइन पेमेंट से बहुत सी चीज़ें आसान होगी, लेकिन सजाद भाई जो बात कर रहे थे कि मैं अचानक अगर कहीं जा रहा हूँ, जैसे ये अभी एक खातून हमारे साथ मौजूद थी, क्योंकि एक MG गाड़ी है, गाड़ी बड़ी है, लेकिन बता रही है कि मैं भी दुबई होती हूँ, मुझे भी नहीं पता चल सका, कोई मैसेज नहीं आया कि ये ड्यू है। सजाद भाई, ये आपने पे तो करनी थी, ये आपको पे तो करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया सजाद भाई।